हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सलमान खान की ईद 2025 पर आने वाली फिल्म सिकंदर के लिए कई अपडेट्स सामने आई है, जो सिकंदर को 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बना सकती है। सिकंदर किसी भी फिल्म का रीमेक नहीं होगी, बल्कि इस फिल्म की कहानी पूरी तरह से ओरिजिनल है। ये फिल्म खास पैन इंडिया ऑडियंस के लिए बनाई जाएगी। फिल्म सिकंदर में सलमान खान का डबल रोल होगा, एक यंग वर्जन होगा जो कुछ कुछ किक के डेविल जैसा हो सकता है, वही दूसरा एक बिजनेसमैन का होगा जो काफी शांत और ठंडे दिमाग से काम करता है। सलमान खान को यंग दिखाने के लिए डी एजिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। फिल्म सिकंदर में एक्शन सीक्वेंस के लिए खास तैयारी की गई है। फिल्म की शुरुआत में एक बड़ा वाटर सीक्वेंस होगा। इसके अलावा प्लेन का एयर एक्शन सीक्वेंस भी फिल्म का हाईलाइट रहेगा। इस सीक्वेंस को हॉलीवुड मूवी मिशन इम्पॉसिबल के आर्टिस्ट ने तैयार किया है। फिल्म सिकंदर में एक से ज्यादा विलन होंगे। इसमें एक तो बाहुबली फेम कटप्पा यानी सत्यराज होंगे और दूसरे प्रतीक बब्बर। मुंबई में फिल्म का सेकंड शेड्यूल स्टार्ट हो चुका है, जो 45 डेज चलेगा। फिर नवंबर में फाइनल शेड्यूल रखा जाएगा। रश्मिका मंदाना सलमान खान के साथ फीमेल लीड में रहेगी। फिल्म में गाने शानदार हो, इसके लिए कंपोजिशन प्रीतम की रहेगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। अरे भाई, कमेंट करो, लाइक करो, नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।